हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं मोटापे के बारे में बात करूँगी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो मैं बताऊँगी कि क्या करें जिससे हमारा मोटापा कम हो। मैं बताऊँगी इस वीडियो में कि किन तीन वाइट चीज़ों को छोड़ने से आपका वज़न कम हो सकता है। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि वीडियो अगर अच्छा लग जाए आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। जी हाँ, तो वो वाइट चीज़ है पहली चीनी। जी हाँ, चीनी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, जिससे हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो आप चीनी को कम कर दें, बहुत कम, इससे आपका मोटापा बहुत ही बैलेंस्ड हो जाएगा। दूसरी वो चीज़ है चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर पाए जाते हैं, तो चावल पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इसको कम कर सकते हैं, हिसाब से खा सकते हैं। और ज़रूरी बात ये कि चावल को रात में बिल्कुल भूल कर भी नहीं खाएं, क्योंकि दिन के मुकाबले रात में चावल खाने से मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। तो रात में चावल को अवॉइड करें। जी हाँ, तीसरी वो वाइट चीज़ है जो है आलू। वैसे कच्चे आलू में कैलोरीज नहीं होती, लेकिन आलू को जब हम तलते हैं तो यह मोटापा बढ़ाता है। आलू में स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च आलू में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर में मोटापे के साथ और कई बीमारी को बढ़ाता है। तो आलू से भी मोटापा बढ़ता ही है, तो आलू को आप लोग अवॉइड करें और देखिए मोटापा कैसे गायब हो जाता है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।